नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, बात करेंगे प्रदेश भर में जिस तरह से जो जंगल है उसमें आग लग रही है, वन संपदा को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, कितने जंगल अभी तक जल चुके हैं, कितनी जो वन संपदा है उसे नुकसान जो है वो पहुंचा है, तमाम सारी जानकारियां आप तक साझा करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम धर्मशाला मंडल जो अग्निशमन विभाग है वहां पर मौजूद है और वहां से ये लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और ये वही गाड़ियां हैं जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है, बुझाने में जो है वो अपना काम कर रही हैं। फिलहाल जो आसपास आग लग रही है उससे निजात पाने के लिए तो ये गाड़ियां कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हो रही है, लेकिन बात करेंगे जो जंगलों के ऊपरी हिस्सों में जो आग लग रही है वहां पर अग्निशमन विभाग के लिए वो आग बुझाना टेढ़ी खीर बना हुआ है। फिलहाल अगर मैं प्रदेश के जंगलों की बात करूं तो 2000 के पार जो है वो आंकड़ा पहुंच गया है, यानी कि जो प्रदेश के जंगल है 2000 घटनाएं जो है वो पार हो चुकी है। ऐसे में देखिए, लगातार जंगलों में आग लगना अब आम बात हो गई है और इससे तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। वहीं अगर हम सोमवार की बात करें तो प्रदेश में जंगल की आग की घटनाएँ 2010 हो गई है और जिसमें 7.63 करोड़ रुपए की वन संपदा पूरे प्रदेश भर में जो है वो उसे नुकसान पहुंचा है। फिलहाल धर्मशाला मंडल के फायर ऑफिसर देवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम धर्मशाला के जो जंगल है कितनी आग जो है वो लगी है, कितनी संपदा जो है वो वन संपदा जो है वो उसे नुकसान पहुँचा है, साथ ही साथ कितनी चुनौतियाँ उनको झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है जो सड़क के पास आग लग रही है कहीं तो वहाँ पर तो अग्निशमन विभाग जो है वो सतर्क है, लेकिन जंगलों में आग बुझाना उनके लिए किस प्रकार की चुनौती जो है वो फिलहाल बना हुआ है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, जानना चाहेंगे कितनी अभी तक जो है वो जंगलों में आग लग चुकी है, कितनी वन संपदा जो है वो उसे नुकसान पहुँचा है? इस फायर सीजन में धर्मशाला केंद्र के अंतर्गत जो है अभी तक जो टोटल कॉल जो है अभी तक 117 कॉलें आई है हमारे को, उसमें से हाउस फायर 5 नंबर हो चुकी है, फॉरेस्ट फायर जो है हमारे पास 105 हो गई है, व्हीकल फायर जो है 3 नंबर है और इलेक्ट्रिसिटी फायर 1 है और रेस्क्यू कॉल 3 नंबर है जी। इसमें अभी तक जो है प्रॉपर्टी लॉस 50,57,60,000 जी इस प्रॉपर्टी को जो सेव किया गया है जी, और उसके बाद जो है ह्यूमन लाइफ जो सेव्ड शून्य है और उसमें जो है लॉस भी शून्य है, लेकिन एनिमल 3 जो एनिमल को बचाया गया, 3 जो एनिमल है वो सेव्ड है। सर, जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है, कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर रास्तों की भी दिक्कत है, पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है, तो इतनी बड़ी गाड़ियां वहां तक पहुंचाना कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त आपके लिए बनी हुई है? मैडम, इसलिए जो हमारे पास जो चुनौती बहुत है, रास्तों का ना होना हमारे लिए बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, जहाँ जहाँ हमारे सड़क सुविधा से महरूम है, जहाँ तक गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। इससे पहले जो है फॉरेस्ट फायर के लिए जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फायर वाचर रखे जाते थे और फायर सर्विस में एक्स्ट्रा स्टाफ जो हमारे को इस दौरान जो है दिया जाता था, लेकिन अब जो है सरकार ने वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ हमारे को चाहे गृह रक्ष प्रशिक्षित, लेकिन अब जो है सरकार ने वो देना बंद कर दिया हुआ और इस बार जो है हमारे जो जंगल जले हैं सरा में हमारे जंगल जला, बनोरडू में, सुधेड़ में, मैकलोडगंज में, चीलगाड़ी में, कंड में, कालापुल में, बागनी में, बारा कोठे और चीर स्मारक में अभी 15 तारीख को भयंकर अग्निकांड हुआ था, जिसे कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे दिन की मशक्कत के बाद जो है जो हमारा संग्रहालय उसको बचाया गया। 7 मिनट की दुकानें थी और इलेक्ट्रिसिटी के 3 डीजी सेट और 2 ट्रांसफार्मर जिनको बचाया गया, तो उसके लिए जो है हमारे कर्मचारियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाके जो है उसको सेव किया गया। वहीं बात करें देखिए कर्मचारियों की, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्राइवर की जो पोस्ट है बहुत कम है, ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो कितनी अभी बात करें तो कितने एम्प्लॉइज जो है वो पद खाली चल रहे हैं? हाँ, स्टाफ के लिए जो हमारे चालक होते हैं, जो प्रशिक्षित चालक ही है, जो हमारे पास ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर होते हैं, जो हमारे वाहनों में जो पंप लगे हैं उनको वही ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कोई प्राइवेट अगर हम ड्राइवर हायर करते हैं तो उनको जो इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर हमारे को मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जो हमारे फायर में जो जितने भी चालक आते हैं वो प्रशिक्षित चालक आते हैं, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो पोस्ट है भरी जाती है। इसमें जो हमारी
धर्मशाला की बात करें तो अग्निशमन केंद्र धर्मशाला, इसमें 9 पोस्टें जो है ड्राइवर की है, उसमें से 5 पोस्टें रेगुलर ड्राइवर की है और 4 पोस्टें जो है गृह रक्षक चालक की है, जिसमें से हमारे पास 3 इस टाइम कार्यरत है और 5 जो ड्राइवर है हमारे पास इस टाइम कार्यरत है। जी फिर से जानना चाहेंगे टोटल लगभग कितनी केस जो है वो धर्मशाला उपमंडल में बने हैं आपके, कितने केस जो है वो अभी तक आए हैं अग्निकांड के? अग्निकांड के हमारे पास इस सीजन के जो 117 केस जो हो चुके हैं। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं 17 कांड जो है, 117 कांड जो है वो अग्निकांड के धर्मशाला उपमंडल की बात करें तो उसमें पेश आए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो वनों में आग लग रही है, हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन ये जो बारिश है वो भी जाहिर सी बात है इस आग के लिए नाम मात्र है, क्योंकि पूरे जंगल जो है वो दहक उठे हैं, आग ही आग जो है वो जंगलों में लगी हुई है।